धान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच सियासी किचकिच जारी है। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बात करने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की। गोयल ने मुख्यमंत्री से धान पर दिए जाने वाले बोनस को लेकर सवाल किया और FCI द्वारा चावल नहीं उठाने को लेकर समस्या गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोनस सरकार दे नहीं रही है, जिस तरह केंद्र सरकार किसान निधि देती है उसी तरह हम किसानों को प्रति एकड़ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत मदद करते हैं। ये मदद धान पर ही नहीं गन्ना और अन्य फसलों पर भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र को बोनस को लेकर कंफ्यूजन है, उसे अधिकारी दूर करेंगे। कि आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं, हमने कहा हम तो समर्थन मूल्य धान खरीदी कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर कुछ उनको कुछ शंकाएं हैं, उसे दूर करने की बात है। क्योंकि धान तो हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं वो प्रति एकड़ में, न केवल धान का बल्कि गन्ने और मक्के में भी दे रहे हैं, तो उन योजनाओं का लाभ दूसरे जो फसल लेते हैं उनको भी मिल रहा है और उसको प्रति एकड़ में, जैसे भारत सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार की गलत फहमी उसको दूर कर लिया जाएगा। कि FCI में चावल जमा करने के लिए 1 जनवरी का इंतज़ार करना पड़ा हो, लेकिन अभी 1 जनवरी तक के भी FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली है, तो ये तो आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो पहली बार हुआ है। ये गतिरोध है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार से कोई बात है तो उसे पहले बता देते, हम दूर कर लेते और FCI में चावल जमा करने की अनुमति मिल जाती। चावल जमा होते रहता, राइस मिल से चावल जगह खाली होते जाता, तो फिर धान उसमें भेजते जाते, धान भेजते जाते तो हमारी सोसाइटी में जगह बनती, किसानों की भी धान खरीदी भी लगातार उस कंटिन्यूस प्रोसेस में ये काम चलते रहता, तो कोई अड़चन नहीं थी। अब सारी परेशानी आ रही है।